वैसे पीछे का आप एक देखो सनसेट, मतलब भाई क्या लग रहा है सनसेट। तो नहीं गिर सकता क्या? नहीं गिर सकता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका आज एक और वीडियो में। तो आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे स्कूटी पे ऐसे बैठ के इतनी मतलब वियर्ड स्टंट क्यों कर रहे हैं। तो गाइस बेसिकली बहुत टाइम हो गया था मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली थी। लास्ट टाइम मैंने डाली थी कोई मतलब पॉप्स वगैरह की। तो नाउ आई एम थिंकिंग दैट कि अब मैं जाऊँगा किसी फोटोशूट करने, तो वहाँ पर जाएंगे हम, बनाएंगे एक वीडियो। तो चलो बने रहो हमारे वीडियो में, मिलते हैं हम आपसे आगे। बाय बाय। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हमारे मतलब शहर में, एक ड्रेन नाम से जगह है। वैसे आप सभी मेरे व्यूअर्स कैथल के होंगे, तो अभी पहुंच गए हैं वहां पे। तो जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा, मैं दिखा भी देता हूं आप, द व्यू इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और अब हम यहां पे करेंगे कुछ फोटोज क्लिक, और उसके बाद मैं आपको वीडियोज वगैरह जो भी बनाऊंगा सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, कहीं पे रोकते हैं स्कूटी और करते हैं फोटोज क्लिक। ओके हे एवरीवन, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे आ गए थे। तो देखो वैसे पीछे का आप एक देखो सनसेट, मतलब भाई क्या लग रहा है सनसेट। और एक वो आप वहाँ पे देखो कितना बढ़िया सनसेट लग रहा है, और एक आप यहाँ पे देखो पीछे, देखो इसको, देखो गाइस मतलब क्या क्या चाहते क्या हो, कह रहे हैं कि मेरी यहाँ पे ऐसे बैठ के फोटो खींचो, नीचे फोटो खींचो। मैंने तो नहीं कहा, कहा तो भाई तुमने। अब गाइस जैसे कि आपको पता है कि भाई मतलब अगर ऐसी वीडियोस बनाएं जिसमें हम मतलब कुछ बढ़िया स्टंट कर रहे हो, तो अगर मैं इसको पीछे धक्का दे दूं इसको मैं गिर जाऊंगा भाई। अभी फिर गिर जा, अपने दोस्त के लिए इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अपने, मरना नहीं चाहता। अपने दोस्त को फेमस करने के लिए। देखो गाइस अपने दोस्त को फेमस करने के लिए तो नहीं गिर सकता क्या? नहीं गिर सकता। गिर जा तू अपने दोस्त को फेमस करने के लिए। दे दे अपना बलिदान। गाइस ने मेरी छुट्टी काट ली। तो गाइस देखो मतलब ठीक है भाई, होते हैं जिंदगी में ऐसे बहुत दोस्त मिलते हैं जो मतलब ही होते हैं, जस्ट लाइक दिस बुल सिटिंग ओवर देयर। ठीक है, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे ऐसे जो आपके लिए सिर्फ एक अपना बलिदान नहीं दे सकते। तूने मेरा दिल तोड़ दिया भाई, आगे से मुझसे बात मत करियो। तो गाइस अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अभी हमने यहाँ पे इनको वीडियोस क्लिक किए हैं। सही बताऊँ मुझे तो ना सनसेट से प्यार हो रहा है। सही बताऊँ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है सनसेट, और सनराइज़ का इतना क्रेज़ नहीं है, मुझे सनसेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करना, सनसेट में खुद की फ़ोटो क्लिक करना, मतलब ये सब करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जैसे कि मैंने तो एक दो वीडियोस बनवा ली हैं, अभी इसकी बनाऊंगा एक दो वीडियो और फोटोज़, उसके बाद फिर हम जाएंगे शायद या तो वॉकिंग करने जाएंगे या फिर कुछ खाने जाएंगे। तो जैसे भी होगा हम आपको इत्तला कर देंगे। गाइस मिलते हैं हम आपको थोड़ी सी आगे जाके। तो गाइस इसने अभी मुझे कैमरा दिया अपनी फोटो खींचने के लिए, और ये देखना किसी बंदर जैसी शक्लें बना रहा है उधर खड़ा होगी। मरने की कोशिश करना चाहता है, इधर ये खाई में कूदने की कोशिश करना चाहता है। गाइस ऐसे ही तंग कर रहा है मुझे, व्यूज के लिए देखना क्या क्या कर रहा है। अब क्यों नहीं लाइक कर रहे, क्यों नहीं फोटो? चलो गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक तो जरूर कर देना। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे पोज करने वाला था, आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। वैसे तो छपरी वाला पोज है, जैसे लेट मी शो यू, यू कैन डू दिस। मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखा था, एक छपरी ने किया था ऐसे। इस टाइप की अगर वो फोटो बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं। गिरने वाला वैसे में इस टाइप की फोटो उतारते हैं अगर तो बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो। बाकी वैसे सही बताऊँ मैं भी शायद ही करूँ ऐसी फोटो या वीडियो तो पोस्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वियर टाइप का स्टफ हो जाता है। चलो अभी करते हैं फोटो क्लिक और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। तो गाइस जैसे कि अभी हमारा फोटोशूट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हमने बहुत सारी फोटोज खींची, वीडियोज बनाई थी। सही बताऊँ मतलब बहुत दिन बाद आया हूँ मैं ऐसे मतलब फोटोशूट वगैरह करने, मतलब कि किसी स्पेसिफिक जगह पे। अगर जैसे कि ओकेजनली चला गया वो बात अलग है, बट कि ऐसे स्पेसिफिकली बहुत दिन बाद आया हूँ। अब जैसे सन बिल्कुल पूरी तरह सेट हो चुका है, उस तरफ देखो वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह सेट हो चुका है सन, बट जो ये आसमान में ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे तो पर्सनली। आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑरेंज का, यू नो। अब जैसे कि हमारा फोटोशूट हो चुका है, अब हमने डिसाइड किया, मतलब मैंने डिसाइड किया, कैमरामैन तो कुछ बोलता नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि हम रैंडमली किसी भी मतलब व्हीकल आ रहा है ना यहाँ पे बहुत सारे, तो उनकी फोटो खींचेंगे, फिर उनको ऐसे थम्स अप देंगे और देखेंगे उनका रिएक्शन क्या आता है। अभी जैसे एक बाइक आ रही है, मैं उसकी फोटो खींचता हूँ फिर उसको थम्स अप दूंगा, ठीक है? देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। बहुत बढ़िया। तो
गाइस रिएक्शन बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी एक और बाइक आ रही है दूसरी तरफ से, उसके भी उतारेंगे बढ़िया से फोटो। देखते हैं, वो बाइक बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, तो सही बताऊं मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अंदर से, क्योंकि मतलब एक बंदे ने तो ऐसे हाथ किया और दो ने मतलब थोड़ी स्माइल पास की, तो मतलब बहुत ज्यादा यू नो मतलब बड़ा मीन बहुत ज्यादा खुशी अंदर से। अभी जैसे कि एक और बाइक आ रही है, पता नहीं ये स्लो तक पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे, तो चलो अगर ये पहुंच जाएंगे तो मैं इनकी बढ़िया से फोटो उतारूंगा और ये फोटोज मैं बीच में ना व्लॉग में डाल भी दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कितना बढ़िया रिएक्शन आ रहा है, सही बताऊं मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे अंदर ना अभी इतने उगाले उग रहे हैं, मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि भाई लोग, हाँ ठीक है भाई लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं अपने यहाँ इंडिया में, तो मतलब है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है नेचर अपना। अगर आप फॉरन चले जाओगे ना, वहाँ पे ऐसा नेचर नहीं है, वहाँ पे अपने काम से काम रखते हैं, वैसे वहाँ का भी नेचर काफ़ी बढ़िया होता है, बट सही बताऊँ मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब इतना बढ़िया रिएक्शन मिला पब्लिक का। अब जो मैंने फोटोज क्लिक किए हैं ना, ये सभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ भाई इसको, ओह सॉरी मैंने ऑफ ही कर दिया था, जस्ट लाइक देखो ये अभी मैंने जो अभी उतारी थी, ये मैंने इनकी भी उतारी है, मतलब मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। और ये ऑटो वाले भैया का भी काफ़ी काफ़ी खुश थे ये भी, और सबसे बढ़िया रिएक्शन इन्होंने दिया था, इनकी फ़ोटो उतारी थी मैंने, ये आ रहे हैं आगे, इन्होंने बिल्कुल ऐसे थम्स अप किया, तो सही सीरियसली बताऊँ आई एम रियली हैप्पी टू ट्राई दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि अभी सनसेट वगैरह सब कुछ हो चुका है एंड हमने सब कुछ मतलब कर भी लिया, फोटोज भी क्लिक कर ली, तो अभी बस हमारा प्लान है कि हम कुछ खाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं अभी मार्केट में जाऊंगा, वहाँ पे फोटोज मतलब वीडियोज वगैरह बनाऊंगा, तो जो क्वालिटी है ना वो डाउन हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। और अगर आपको बढ़िया लगा हो, अगर आपको हमारी ये फ्री वाली जो हमने फोटोज खींचे लोगों की, ये हमारी हंसी मजाक, मैंने इसको व्यूज के लिए मारने की कोशिश की, अपना चेहरा दिखा दीजिए प्लीज कैमरामैन, अगर आप चाहें तो, मैंने इस कैमरामैन को मारने की कोशिश की, अगर आपको वो कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और कमेंट में अगर आप चाहो तो जो बेस्ट पार्ट आपको लगा हो जरूर बताना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।